So, hello everyone, I am Ishita and I am here with the law of contract ka another case law, that is Abdul Aziz versus Mausam Ali. Iske andar ek committee hoti hai, ek agency, that is Islam Local Agency Committee of Agra. Ye decide karte hain ki hum ek mosque ko repair aur reconstruct karenge. Kab decide karte hain? 1907 mein, ki hum ghar ghar jaake paise ikatthe karenge for the repairing and reconstruction of the mosque, aur us mosque ka naam hota hai Masjid Hamaman Alwardi Khan. Ab committee ke paas khud ke paas 3000 rupees hote hain. Hakim ji bolte hain ki main 100 rupees dunga, Munshi Abdul ji bolte hain ki main 500 dunga, aur Munshi Jan bolte hain ki main 500 dunga. इन्ही लोगों में से जो लोगों ने बोला, प्रॉमिस किया कि हम पैसे देंगे, तो मुंशी अब्दुल को अपॉइंट कर दिया एज अ ट्रेजरर. जब उनको एज अ ट्रेजरर अपॉइंट किया तो कमेटी ने भी अपने 3000 उनको दे दिए और हकीम ने भी अपने 100 रुपीज उनको दे दिए. मुंशी जन 12 सितंबर 1907 को आए और उन्होंने बोला कि भाई आई डोंट डील इन कैश, तो मुझसे चेक ले लो 500 रुपीज का. तो उन्होंने चेक दे दिया. अब मुंशी अब्दुल 29 सितंबर 1907 को बैंक में गए और चेक डिपॉजिट कराया. तो बैंक ने क्या कहा, भाई अभी तो हम इसे एंडोर्स नहीं कर सकते. उसके बाद वो रख के उसे भूल गए. अब 12 जनवरी 1909 को बुझी हुई बत्ती वापस आई मुंशी अब्दुल की और वो चेक दोबारा लेके गए बैंक में. बट बैंक ने क्या कहा, अब तो भाई ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, अब तो बिल्कुल ही एंडोर्स नहीं होगा. इसी दौरान मुंशी अब्दुल की 1909 में डेथ हो गई और उनके इयर्स के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ. मुंशी जन भी 1910 में मर गए, तो जो दो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो तो मर गई. इसके बाद क्या आया कि मुंशी अब्दुल के इयर्स को बोला कि भाई 1000 रुपए आपने ट्रेजरर को देने, ट्रेजरी को देने हैं ऑफ मॉस की रिकंस्ट्रक्शन कमिटी. क्यों 1000 रुपए देने हैं कि 500 तो भाई आपके पिताजी ने बोले थे, दैट वाज मुंशी अब्दुल, और 500 रुपए मुंशी जन का चेक देना है आपको, जो कैश तो नहीं हो पाया था. तो लोअर कोर्ट ने बोला कि जो हियर्स है मुंशी अब्दुल को, उनको देने ही देने. उन्होंने रीअपील फाइल करी तो इश्यूज क्या आए. पहला इशू ये आया कि जो प्रॉमिस है क्या वो विदाउट कंसिडरेशन हम एनफोर्स कर सकते हैं, और दूसरा इशू हमारे पास ये आया कि जो हियर्स है मुंशी अब्दुल के, क्या वो लायबल है टू पे 1000 रुपीज फॉर नेग्लिजेंस. अब इसके ऊपर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया. कोर्ट ने कहा दो बातें सुनो. पहली बात तो ये सुनो कि जो मुंशी अब्दुल है उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं दे दूंगा, और जो प्रॉमिस होता है दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो वो क्या है, एक वॉलेंटरी चीज है, जो उनकी मर्जी हुई तो वो उसे नहीं भी दे सकते. तो मुंशी अब्दुल के 500 रुपए तो रहने दो. अब जो मुंशी जन की तुम चेक की बात कर रहे हो, वो चेक जो एंडोर्स नहीं हो पाया वो नेचुरल डिले था, उसमें मुंशी अब्दुल के इयर्स की कोई इशू ही नहीं है, तो तुम बेफालतू में क्रिएट कर रहे हो ये. इसीलिए कोई भी इसके अंदर लायबल नहीं होगा और किसी के ऊपर सूट नहीं होगा और कोई भी पैसे नहीं देगा. ये फाइनल जजमेंट आ गई हमारी. तो बेसिक कंसेप्ट इस केस के अंदर क्या यूज हुआ कि जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हम प्रॉमिस करते हैं दैट आर नॉट इन्फोर्सिएबल. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंसिडरेशन नहीं होती, और वी नो दैट एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट कंसिडरेशन होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.